हेलो फ्रेंड, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम आपको वेल्डिंग, उसके उपयोग, मेटल पार्टों को जोड़ने की वीडियो के बारे में बताएंगे। वेल्डिंग एक टेक्निक है दो पार्टों को जोड़ने की। इसकी परिभाषा क्या होगी? धातु के दो पार्टों को उचित तापमान पर प्रेशर अथवा बिना प्रेशर के जोड़ने की जो क्रिया है उसे वेल्डिंग कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? इसका जो उपयोग आजकल लगभग सभी जगह किया जाता है, भवन निर्माण में, पुल बनाने में, रेलवे में, ट्रैक्टर बनाने में और साइकिल बनाने में, लगभग इसका जो हर क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। इसके जो मेटल पार्ट है उन्हें जोड़ने की तीन प्रकार की विधियां हैं, अस्थायी विधि, टेम्परेरी मेथड, अर्धस्थायी विधि, सेमी परमानेंट मेथड और स्थायी विधि परमानेंट मेथड। अस्थायी विधि यानी टेम्परेरी मेथड की बात करते हैं हम। इसमें जो हमारा मशीन का पार्ट्स होगा और जो हमारा फास्टनर होगा, जब हम जोड़ते हैं या हम अलग करते हैं तो वो दोनों चीज क्या होंगे, सुरक्षित होंगे। हमारा फास्टनर भी सुरक्षित होगा और हमारा जो पार्ट्स है वो भी सुरक्षित होगा, यानी उसे किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी। जैसा हम जिसके द्वारा हम बोल्टिंग होगी, स्टड हो गया, की कार्टर आदि क्या आए, एक तरह के अस्थायी विधियां। अर्धस्थायी विधि, सेमी परमानेंट मेथड, जिसके द्वारा हम मशीन के जो पार्ट्स हैं उन्हें जो जॉइंट्स करते हैं और जब हम अलग करने का प्रयास करते हैं तो उसमें जो हमारा फास्टनर खराब हो जाता है, उसमें सर केवल एक ही चीज सुरक्षित बच पाती है। जैसा रिवेटिंग होगी आपकी, सोल्डरिंग होगी, ये क्या हो गए, अस्थायी अर्धस्थायी फास्टनर हो गए। स्थायी विधि परमानेंट मेथड, जो हमारा वेल्डिंग है वो एक तरह से परमानेंट मेथड है, जैसे वेल्डिंग होगी और ब्रेजिंग होगी, ये हमारा परमानेंट मेथड है। तो आज आपको मैंने वेल्डिंग, उसकी परिभाषा, उसके उपयोग और मेटल पार्टों को जोड़ने की वीडियो के बारे में बताया। आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा? अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।